झांसी से कानपुर की ओर जा रही बस में ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मोट पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं एक की मौत की पुष्टि की जा रही है। नाम है कानपुर से, सर। अनिल लॉरेंस। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी हमारे प्रदीप यादव जी की है। और आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। कैसे, क्या हो गया सर? गाड़ी को मतलब मैं गाड़ी खड़ी करके और मतलब खड़ी क्या करके मैं उतर करके केवल मैं डीजल पूछने गैस पूछने के लिए कंडक्टर को भेजा था। कंडक्टर मेरा गैस पूछने जा गया है और उतनी देर में मेरी गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। मैं मतलब पोलाइटली ऐसे चल रहा था, एक नंबर गियर से धीरे 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 बढ़ रही थी। पीछे वाले ने इतनी स्पीड में आकर के मारा है कि गाड़ी मेरी आधा किलो कम से कम, ये सामने खड़ी है आपके, ये ट्राला है। जी, ये सामने ट्राला खड़ा है। कौन सवार थे, कहां जा रहे हैं? ये सर मैं झांसी से, मैं कानपुर से जो बारात लेकर के झांसी गया था और झांसी से इन सबको वापसी लेकर कानपुर जा रहा था। थाना मोड़ क्षेत्र में कानपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बस में एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। करीब 35 लोग घायल हो गए हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इनका सबका रेस्क्यू किया गया पुलिस के द्वारा, सबको हॉस्पिटल लाया गया। इनमें से 8 व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर हो गए हैं। शेष का इलाज यहाँ पे चल रहा है CSC मोट में। इसमें FIR दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। इसमें दूल्हा दुल्हन को भी चोटें आई हैं।